हाय दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है SOL Solution। आज आप सभी के सामने हम एक नई वीडियो लेकर आए। जैसा कि आप थंबनेल में ही देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि पार राष्ट्रीय निगम, यानी जिसे हम बहुराष्ट्रीय निगम या TNC या MNC भी कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ वैश्वीकरण पर इस पर क्या प्रभाव पड़े, ये क्वेश्चन भी आता है, तो इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली जिस भी प्रकार की आपकी नोट्स की जो वीडियोस बने ताकि आपको पता चल सके, उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहली बात की जो TNC यानी पार राष्ट्रीय निगम वो होता क्या, जरा इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, पार राष्ट्रीय निगम किसी कोई एक नॉर्मल जो कंपनी है, राष्ट्रीय कंपनी, वो पार राष्ट्रीय निगम नहीं बन जाती। पार राष्ट्रीय निगम जो होती है उसमें कुछ विशेषताएँ होती है। क्या क्या विशेषता होती है? सबसे पहली बात, पार राष्ट्रीय निगम ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जो कि एक ही समय में एक से अधिक देशों में अपना कार्यों का संचालन करती है। यानी एक ऐसी कंपनी जो एक ही समय में एक से अधिक देशों में अपना काम करती है, उसका जो मेन ऑफिस होता है वो किसी एक देश से पूरे के पूरे कंपनियों को संभाला जाता है, और जो दूसरे देशों में क्या होता है कि वो ब्रांचों के जरिए क्या करते हैं, अपना कार्य करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, भारत में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ऐसा, जैसे आपका डोमिनोज है, ठीक है, आप यहाँ जाते हैं, ये देखो भारत की कंपनी है, नहीं है। इसके अलावा आप कपड़े खरीदने जाते हो मॉल्स में, तो आप देखते हैं कि मैक्स का ब्रांड है, लाइफ स्टाइल है, ये सब क्या भारत के नहीं है, लेकिन फिर भी आज क्या भारत के अंदर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये किसी एक शाखा के जरिए हमारे देश में है या देश के और हिस्से में भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये किसके जरिए शाखा है, इनका जो मेन ऑफिस किसी एक देश में होगा, वहाँ से इस पूरे का पूरा कोऑर्डिनेट इसका इसको किया जाता है। अब जो TNC के बारे में हम बात करते हैं, जो TNC है ये कितने प्रकार का होता है, तो TNC दो प्रकार के होते हैं मेनली। पहला होता है जिसमें पूर्ण स्वामित्व किसी एक बाहर की कंपनी का ही होता है, बाहरी कंपनी पूरा का पूरा आपके देश में इन्वेस्टमेंट करती है, अपनी कंपनी लगाती है। दूसरी बात, एक दूसरा प्रकार ये होता है जो कि आपका भारत की जो सरकार है, ये जो स्थानीय देश की जो सरकार है, वो उसमें क्या करती है, अपना कंट्रीब्यूट करती है। साथ ही साथ क्या होता है, जो बाहरी विदेशी कंपनी है वो भी उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। अब इस तरीके से हमने जाना कि भाई TNC क्या था। अब हमारा क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा शुरू होता है कि TNC क्या है, इसका वैश्वीकरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, वैश्वीकरण में इसकी क्या भूमिका है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको लिखने से पहले एक लाइन लिखेंगे, TNC जो कि उपरोक्त हमने जान लिया वो आपके भूमिका में आ गया। अब हम जानेंगे कि वैश्वीकरण जो है उस पर TNC का क्या प्रभाव पड़ा है, जो कि हम निम्नलिखित बातों के आधार पर हम कहेंगे कि ये इसके पर प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो व्यापारिक बाध्यता है या व्यापार पर जो प्रतिबंध लगते थे उसको खत्म कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आज देशों ने क्या किया है, वैश्वीकरण का तरीका अपना लिया। वैश्वीकरण अपनाने का मतलब यह है कि देशों ने अपनी जो अर्थव्यवस्था है या देश के अंदर जो अपनी भी चीज़ें हैं, व्यक्ति वस्तु जो भी अपना सामान बेचता है, उसने बाहर के देशों के लिए भी अपनी बाउंड्री को ओपन कर दिया है, ताकि कोई विदेशी देश भी आए आपके देश में आए, अपनी कंपनी सेटअप करे और यहाँ पर जो भी बेनिफिट होता है उसको कमाए और जाए। पहले क्या होता था कि पहले आपके देश में बहुत ज़्यादा व्यापारिक बाध्यता होती थी, यानी यदि आपके किसी एक देश से संबंध अच्छे नहीं है तो आप उससे व्यापारिक संबंध अच्छे से नहीं बनाते थे, जिसके कारण व्यापार नहीं हो पाता था। और आज क्या होता है, आज वैश्वीकरण ने हर एक देश के लिए अपने द्वार जो है खोल दिए, ताकि कोई भी हमारे देश में आके अपनी MNC अपनी कंपनियाँ लगा सकता है, और उससे क्या है कि उस देश को भी लाभ मिलता है क्योंकि उसका प्रोडक्ट यहाँ सेल होता है, और हमें जो बदले में सेवा प्राप्त होती है तो उससे हमारे देश के लिए भी फायदा होता है। जरा हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वस्तु की जो लागत है वो कमी हुई है। वस्तु की लागत कैसे कम हुई है, आज क्या हो रहा है, वैश्वीकरण अपनाने से आज एक ही देश के अंदर एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाली, जैसे फ़ोन है, फ़ोन बनाने वाली बहुत सी कंपनियाँ हैं, वो आपके देश में आ रही है और अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है। उनके बीच में क्या है, लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कंपटीशन, जिसके कारण क्या है कि उनका कंपटीशन जो बढ़ रहा है, उसके कारण जो वो क्या कर रही है, अपना जो सामान है वो बेहतर से बेहतर सामान जनता को प्रोवाइड करवाने की सोच रही है, और जनता को उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ मिल सके इसके बारे में वो सोच रही है। तो एक एग्जाम्पल एक ये है आपके लिए, एक दूसरा है कि आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, व्यक्ति की
जो वस्तु जो निर्माण हो रहा है उसकी लागत दक्षता में कमी आ रही है। आज देखिए हमारे जो देश है, हमारे देश में बहुत से ऐसे कॉल सेंटर्स हैं जो फॉरेन कंट्री के, वो क्या करते हैं डे नाइट ड्यूटी करवाते हैं वहाँ पर, और क्या करते हैं अपने देश का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे देश में बेचा जाता है, जो विदेशी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हमारे देश में बेचा जाता है। यदि कोई एक विदेशी कंपनी जैसे अमेरिका जैसे देश की जो कंपनी है, अगर वो किसी अमेरिका में ही अपनी कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो करवाती है कि भाई फ़ोन करके आपको बताया जाता है कि सर हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट बेचती है, या कोई अमेरिकन एम्प्लॉयर है, तो उसे मरे से मरे उसे क्या है कि $10 से $20 उसे या एक दिन के ही उसे देने होंगे। अगर मैं पूरे महीने का एस्टिमेट लगाऊं तो कम से कम उसको $1,000 तो उसको मिलेंगे, इतने तो कम से कम उसको मिलेंगे। और वहीं अगर हम देखते हैं कि एक डॉलर की जो कीमत है भारत में लगभग 65 रुपये से भी अधिक है, तो वो जो काम उसका यहाँ पर हमारे देश में 10 से 12 हज़ार में हो जाता है, यदि वो अमेरिका के अंदर ही उस काम को करवाता है तो वो उसके लिए उसको भारत की रुपये के हिसाब से उसे 65,000 रुपये पे करना पड़ता, जो कि आज उसका सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 हज़ार में पे हो जा रहा है। तो आज क्या हो रहा है कि वस्तु की लागत में कमी आ रही है, इसीलिए आज MNC एक देश से दूसरे देश की तरफ अग्रसर हो रही है। जरा अगली बात करते हैं हम कि क्या फ़ायदा हुआ है हमें MNC के आने से। अगला है परिवहन का जो माध्यम है उसमें वृद्धि हो गई। देखो आज MNC जब हमारे देश में आई है तो इन्होंने साथ ही साथ अपने देश में तकनीकें लाई हैं, और इन्होंने क्या क्या है जो परिवहन जंजाल है उसको बेहतर कर दिया है, ताकि ये अपने प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अच्छे से बेच सके। समझ में आ रहा दोस्तों, चाहे वो ट्रेन की बात करें, हम रेल की बात करें, या किसी भी तरीके से, क्यों, क्योंकि बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं, ये अपने एक देश में प्रोडक्ट को बनाती है और हो सकता है वो दूसरे देश में प्रोडक्ट को सेल करती है। अब वो दूसरे देश में प्रोडक्ट कब सेल हो पाएगा, ये दूसरे देश में प्रोडक्ट आपका जब ही सेल हो पाएगा जब आपकी जो परिवहन की जो सुविधाएं हैं वो थोड़ी बेहतर होगी, उसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी होगी, ये आप काम तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अगली बात करते हैं हम कि भाई वैश्वीकरण से TNC को क्या लाभ मिला है। वैश्वीकरण से TNC को एक ये लाभ भी मिला है कि संचार की जो व्यवस्था है वो बेहतर हो गई है। आज इंटरनेट ने पूरी विश्व में क्या कर दिया है, एक जनक्रांति सी कर दी है, जिसके कारण आज कोई भी देश MNC आज अमेरिका की MNC है वो भारत में चल रही है तो अमेरिका में बैठा बैठा उसका मालिक ये देख पा रहा है कि भैया मेरे वहाँ पर जो कंपनी है उसमें लोग क्या काम कर रहे हैं क्या काम नहीं कर रहे, वो CCTV कैमरे से पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये सब क्या है, ये संचार जो है, संचार सुविधा जो डेवलप हुई है, इसको MNC को भी फायदा हो रहा है इस चीज़ से। तो हमें क्वेश्चन जो है हमारा यही चल रहा है दोस्तों। देखो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं ताकि आपको मिल सके, ताकि एग्ज़ाम की आपकी अच्छी तैयारी हो सके। ज़रा हम आगे की बात करते हैं कि पारराष्ट्रीय निगम जो है क्या होता है, इसका एक और भी लाभ है इसका। देखो जिस भी देश में पारराष्ट्रीय निगम जाती है TNC जाती है, उस देश का जो बाज़ार होता है उस बाज़ार का ये पूरी तरीके से यूज़ करती है, और उस पूरे के पूरे बाज़ार पे ये हावी हो जाती है। इस प्रकार जब वो पूरे देश के उस बाज़ार पर जब वो हावी हो जाती है, वो नए बाज़ारों की तलाश में दूसरे स्थानों की तरफ बढ़ने लगती है, ताकि उसको और अधिक लाभ हो सके। अगली बात करते हैं जो TNC है उसके ज़रिए क्या है कि आज एक देशों को एक से एक तकनीकें मिल रही है, जिससे हमारे देश को शासन प्रशासन संभालने में या औद्योगिक व्यवस्था को संभालने में, नागरिक सुविधाओं को देने में ये बहुत सी हमें आसानी हो रही है। वहीं हम देख रहे हैं वैश्वीकरण के ज़्यादा होने से आज क्या है कि ज़्यादातर देशों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं इसमें वृद्धि हो रही है। खास तौर पर अगर हम देखते हैं आज तो विश्व में जो 90% अगर व्यापार अगर होता है तो वो इन MNC के ज़रिए ही होता है, और इनमें ज़्यादातर जो देश हैं जैसा कि अंडरलाइन किया गया है, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, इन देशों की ज़्यादातर जो है ये MNCs हैंगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जो तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ का भी बहुत बड़ी मात्रा में, या खनिज पदार्थ है उसका भी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोना ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये TNC के ज़रिए ही पॉसिबल हो रहा है। देखिए आंसर आप लिखेंगे, आंसर लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, देखिए किसी भी क्वेश्चन, आप चाहे पोल साइंस का आंसर लिख रहे हैं, हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं,
या ग्लोबलाइजेशन का, ह्यूमन राइट्स का, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का है। देखिए, अगर आप भाषा को छोड़ दें, हिंदी और इंग्लिश को, हर एक क्वेश्चन में आपको जो निष्कर्ष लिखना वो मस्ट है। यदि आप अपने आंसर का निष्कर्ष नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर जो है वो पूरा का पूरा अधूरा है। अगर आपको जहाँ 15 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर मिलने होंगे, आप उसमें से 4 नंबर पक्का कम कर लीजिए, क्योंकि निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके आंसर का। इसके बगैर आपका आधा आंसर यूँ सोच सकते हो अधूरा होता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि निष्कर्ष क्या होता है, इस आंसर का निष्कर्ष क्या होगा। निष्कर्ष पहले मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। निष्कर्ष एक होता है, जो आपने ऊपर प्रश्न पूछा गया है आपसे, उसका आपको कंक्लूजन लिखना होता है, एक निचोड़ लिखना होता है, और वो वर्तमान समय के परिदृश्य को ध्यान में रखकर, वर्तमान समय के जो आपके हालात हैं उनको ध्यान में रखकर आप लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने TNC के बारे में बात करा, तो भाई वर्तमान समय में TNC का क्या महत्व है। आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि भाई जो TNC है आज वर्तमान समय में हमारे क्या कर रही है, हमें विकास करने में मदद कर रही है, एक देश को दूसरे देश से अधिक सक्षम बनाने में मदद कर रही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि ये देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने में भी मदद कर रही है। आज अगर कोई देश आत्मनिर्भर नहीं है तो वो उस देशों को क्या करती है, वो सेवाएँ प्रदान करती है, साथ ही साथ धीरे धीरे उसे आत्मनिर्भर भी बनाने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार से आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे और लिख देंगे, अतः उपरोक्त बातों से यह सिद्ध होता है कि TNC क्या है और इसके वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़े। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपको मिले, और शेयर तो करें ताकि और भाई बहन भी हमारे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।